नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबको मेरा नमस्कार। मैं क्लास कक्षा 8 का छात्र हूँ। मैं आपके सामने अपने विचार रखना चाहता हूँ। हम सबकी पहचान है हिंदी मातृभूमि की शान है हिंदी। आज बहुत ही खास एवं महत्वपूर्ण दिन है। आज 14 सितंबर को हमारे देश में हिंदी दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अथक प्रयासों के स्वरूप 14 सितंबर 1950 को हिंदी का राजभाषा दर्जा दिया गया और 26 जनवरी 1950 को संविधान के अनुच्छेद 343 में से हिंदी का आधिकारिक भाषा घोषित किया गया। हिंदी भाषा सबसे सरल और सहज मिट्टी है। यह अभिव्यक्ति का सबसे आसान माध्यम है। हिंद देश के हम हिंदी हमारी बोली है, सबसे सरल और आसान बोली है। 14 सितंबर 1953 में से प्रतिवर्ष हमारे देश में हिंदी दिवस मनाया जाता है। इसे मनाने का मुख्य कारण यह है कि हिंदी बोलने वालों की संख्या 41 से बढ़कर 45% हो गई। लेकिन आज आधुनिकता को तेजी से बढ़ाता हुआ देखकर इस बात का एहसास होता है कि हिंदी दिवस को अधिक हर्षोल्लास एवं जोश के साथ बनाने की आवश्यकता है। लोग अपने बच्चों को हिंदी माध्यम की जगह अंग्रेजी माध्यम में पढ़ा रहे हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि कहीं उनके बच्चे पीछे ना रह जाएं। अब तो मिलना चाहिए हिंदी का सम्मान, पूर्व राष्ट्रभाषा बने ऐसा लो संज्ञान। 14 हिंदी हमारी मातृभाषा है, जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सड़क के संसद और सहित से सिनेमा स्वाद का सरलतम माध्यम है। 14 सितंबर 1953 में